भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जयकारों से गूंज रही। राम मंदिर में 10 दिन में हुए रिकॉर्ड तोड़ दर्शन। बताएंगे आपको कितने लोग पहुंचे रामलला के दरबार। जी हां, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद से ही रामलला के दरबार सभी लोगों के लिए दर्शन को खोल दिए गए थे। और उसके बाद प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या आजकल जय श्री राम के नारों से गूंज रही है और रामलला के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस पूरी खबर में आखिर जानेंगे कि कितने लोग रामलला के दर्शन करने पहुंचते हैं। पहले दिन की अगर हम बात करें 22 जनवरी की, रामलला के दर्शन के लिए 5 लाख लोग पहुंचे थे। रामलला के दर्शन के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। तो वहीं दूसरे दिन यानी 23 जनवरी को जब मंदिर के पट खोले तो करीब 2 लाख लोगों ने दर्शन किए। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भक्तों ने तीसरे दिन यानी 24 जनवरी को भी लाखों की संख्या में भीड़ रही है। उस दिन यह आंकड़ा लगभग 2 लाख पहुंच गया। वहीं 25 जनवरी को भी 2 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की छुट्टी के अवसर पर इसका आंकड़ा बढ़ गया। जानकारों की माने तो लगभग 2 लाख लोग रोजाना रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, अयोध्या तक पहुंचने के लिए भारत के कई हिस्सों से नई ट्रेनों और हवाई यात्रा की शुरुआत भी कर दी गई। 28 जनवरी तक यह आंकड़ा 15 लाख पार कर चुका था। वहीं माना यह भी जा रहा है कि जनवरी के महीने में रामलला के दरबार में 20 लाख से ज़्यादा लोग दर्शन कर लिए हैं। भारत के अन्य मंदिरों में भी लोग हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों की अगर बात करें तो लाखों में आ रहे हैं। आखिर रामलला के भव्य दर्शन के लिए 5 शताब्दी से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर कब भव्य मंदिर का निर्माण होगा और रामलला के दर्शन करने की आस पूरी होगी। आज अयोध्या की पावन नगरी में रामलला के दर्शन के लिए लाखों लोग रोजाना दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।